आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। इनफ आखी। पापा प्लीज, मुझे जीतना है। बेस्टी, मेरे स्कूल के फन फेयर में ना मम्मी की जगह आपको स्टॉल लगा दो। आप इतनी स्मार्ट है, टैलेंटेड है, आई एम श्योर आप जीत ही जाएंगी। पापा आप बेस्टी से बोलो ना, आप बोलोगे ना तो वो 100% हाँ कर देंगे। स्कूल में ना फन फेयर है जिसमें सभी स्टूडेंट्स की मॉम ना उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग एक स्पेशल स्टॉल लगाने वाली है। हाँ तो उसमें तांडव मचाने वाली कौन सी बात थी? अरे कुछ नहीं है, उसको सिर्फ अटेंशन चाहिए इसलिए नौटंकी कर रही है। प्लीज गाइस, मेरी फ्रेंड्स की मॉम ना स्टॉल लगाने वाली, निधि की मॉम नेल आर्ट की और सोफिया की मॉम टेम्पररी टैटू की। मम्मी आपका क्या टैलेंट है, आपको क्या आता है? मैं, मुझे तो सिर्फ खाना बनाने आता है। पर इंडियन ना, नहीं फ्रेंच क्यूजिन आती है ना इटालियन क्यूजिन। मेरी वहाँ कोई कजिन है नहीं तो आएगी कहाँ से? मम्मी सी पापा, इसलिए मैं मम्मी को ना स्कूल नहीं ले जा सकती। इनको इंग्लिश बोलना तो दूर समझ में भी नहीं आ रहा है, बहुत एम्बैरेसमेंट होगा। मम्मी आपको कुछ आता क्यों नहीं है? बाकी तू पागल है क्या? समर डोंट गेट इनटू इट। समर ठीक है तो कह रही है, मुझे आता ही क्या है? बाकी इतनी भी क्या प्रॉब्लम है बेटा, ले जाओ ना अपनी मम्मी को स्कूल के फन फेयर। पापा प्लीज, आप भी तो मम्मी को ऑफिस की पार्टीज में नहीं लेकर जाते हो ना, एम्बैरेस फील होता है, वैसे मुझे हो रहा है। बेटा बट व्हाट कैन वी डू, जब तुम्हारी मम्मी वो सब कर ही नहीं सकती। तो क्यों नहीं कर सकती? नहीं तो क्योंकि मुझे घर चलाने के सिवाय कुछ नहीं आता है। मन तो बहुत है छे कि मैं अपनी स्वीटी के लिए कुछ करूं, लेकिन मन करने में और आने में बहुत फर्क होता है। जब तुम्हारी मम्मी ये सब नहीं कर सकती तो उस बात को एक्सेप्ट करो। तुम अपनी मम्मी तो नहीं बदल सकती ना? बदल सकती। हाय पाखी, बेस्टी आप मेरी मम्मी बनोगी? व्हाट, आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता है क्योंकि आपके जैसा कोई है ही नहीं। पर मुझे सिर्फ खाना बनाने आता है। नहीं, आपको वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनाना आता है। यू आर द मदर ऑफ स्पाइसेस। अरे ये विदेशी खानों के नाम सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, आखिर तो एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी खाना ही अच्छा लगता है। काका बिल्कुल सही कह रहे हैं, माफ करना आप लोग बोलिए। मम्मी खाना बनाना ना एक आर्ट है, एक कला है, तो जाके पाखी और उसकी डेड फ्रेंड्स को बता दो कि आप कितनी बड़ी आर्टिस्ट हो। इना पाखी। पापा प्लीज, मुझे जीतना है। बेस्टी, मेरे स्कूल के फन फेयर में ना मम्मी की जगह आपको स्टॉल लगा दो। आप इतनी स्मार्ट है, टैलेंटेड है, आई एम श्योर आप जीत ही जाएंगी। पापा आप बेस्टी से बोलो ना, आप बोलोगे ना तो वो 100% हाँ कर देंगे। प्लीज बेस्टी, छोटी उम्र से भी छोटा फेवर मांग रही हूँ मैं आपसे। मैं अपनी स्वीटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सिर्फ पाखी के लिए? नहीं बेटा, अपने लिए भी करो। बता दो पूरी दुनिया को कि एक हिंदुस्तानी माँ जब अपने पे आती है ना तो सारे इंग्लिश बोलने वालों की छुट्टी कर देती है। क्यों? ओके ओके, आई विल डू इट। पक्का? पक्का, एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें जिताऊंगी। तो ठीक छे, मैं अपनी स्वीटी को हारने नहीं दूंगी, उसे बिना बताए ये उसके लिए करूंगी। थैंक यू, थैंक यू। फन फेयर में कितना मजा आएगा ना? अगर मेरी स्वीटी जीत गई ना तो बहुत खुश हो जाएगी, और स्वीटी खुश हो गई तो उसके पापा का गुस्सा भी चला जाएगा। ले तेरे पैसे। मम्मी आपका क्या टैलेंट है, आपको क्या आता है? मुझे माँ होना आता है, और बात सिर्फ मेरी नहीं है, हर उस माँ की है जो घर पे रहती है। अनुपमा शायद डर जाती, रुक जाती, पर माँ ना डरती है ना रुकती है। बापूजी,
अब इसे क्या हुआ? यो रॉकस्टार, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? एक बात तो हम लोगों ने सोची नहीं। हमने सब सोच लिया है, कल सुबह उठकर तुम खाना बनाओगी, फिर फ्रंट पे मैं स्टॉल लगाकर पाकी को सरप्राइज देंगी। घर से निकलने तक वो खाना हम छुपा के रखेंगे ताकि तेरा सरप्राइज सरप्राइज ही रहेगा। अब बताओ हमने क्या नहीं सोचा? हमने ये नहीं सोचा बापूजी कि हम खाना तो छुपा लेंगे, लेकिन खाने की खुशबू कैसे छुपाएंगे? तुम्हें कोई तो तरीका पता होगा। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ खाना बनाना सिखाया, खुशबू छुपाना नहीं। मम्मी फन फेयर में पार्ट कैसे लेंगी? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।